बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है। तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम लोग वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे और दीदी को मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि बंगाल में झामुमो चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने बताया कि टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समर्थन करने का आग्रह किया था। इस विषय पर पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफी विचार के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए सहमति जताई जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके, और इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब का जो राजनीतिक हालात है, ऐसी स्थिति में वहां पर ऐसी ताकतों का स्थापित होना, अगर उसमें कहीं हम भी कारण बन जाएं तो यह सही नहीं होगा, और इस वजह से यह निर्णय लिया गया। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन, फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके, और इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा टीएमसी पार्टी को समर्थन देने के बाद बंगाल में टीएमसी पार्टी और मजबूत दिखेगी और वहां का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम लोग वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे और दीदी को मदद करेंगे। विषय ये है कि अब का जो राजनीतिक हालात है, ऐसी स्थिति में वहां पर ऐसे ताकतों का स्थापित होना, अगर उसमें कहीं हम भी कारण बन जाएं तो ये सही नहीं होगा, और इस वजह से ये निर्णय लिया गया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस बार भाजपा विरोधी की जीत होगी और बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनेगी। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।